वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे जावा बिगनर सीरीज़ में। तो अभी तक आपने ऑपरेटर्स देख लिए, आपने इफ़ एल्स कंडीशन देख लिए, आपने स्विच देख लिया। अब हम जो यहां पे करने जा रहे हैं वो जंपिंग स्टेटमेंट है। तो मैंने नॉर्मली एक जंपिंग स्टेटमेंट आपको लूप में मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लूपिंग का, ठीक है। तो मैं नॉर्मली एक क्लास बना रहा हूँ। सो एग्जैक्टली जावा में जो लूप होते हैं, ठीक है, जावा में जो लूप होते हैं आपके, वो होते हैं वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। ये तीन लूप होते हैं जो आप पढ़ते हैं। मैं इसे बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइल लूप, सेकेंड हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप और तीसरा हम करेंगे फॉर लूप। तो सबसे पहले तो लूप होता क्या एग्जैक्टली? लूप का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एक कंटिन्यूस एक सर्कल को फाउंड करती है। सर्कल मतलब कि अगर वो स्टार्ट कहीं से होती तो वापस वहीं पर आके वो एंड होती है, इसको हम कंटिन्यूस लूप कहते हैं। अब लूप को कंटिन्यूस कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली आप उसे बार बार अगर सर्कल में चलता रहेगा तो उसे कंटिन्यूस लूप कहिए, या एक बार चल गया तो वो लूप होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। जैसे कि आपको 1 से 100 तक में आपको कोई नंबर्स प्रिंट कराने हैं या आपको कोई चीज़ करनी है जो बार बार हो, तो एग्जैक्टली वो आपका बहुत ही ईजिली वे में जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करता हूँ वाइल लूप, ठीक है। तो मैंने एक इंटीजर बनाया 1, ठीक है। सो मैं इसे हटा रहा हूँ अभी, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें इसलिए। इंटीजर लिया मैंने, अब मैं इसमें बना रहा हूँ वाइल लूप, ठीक है। सो वाइल लूप में जब भी आप कोई लूप बनाते हैं उसमें तीन चीज़ें होती है, एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है इसमें कंडीशन और तीसरा होता है इसमें ऑपरेटर, ठीक है। सो यहाँ पे इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि मैंने उसे एक वैल्यू इनिशियलाइज की, इसलिए उसका क्या नाम है वो हो गया इनिशियलाइजेशन, राइट। अब मैं इसमें दूंगा कंडीशन, मुझे 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करानी है, ठीक है। अब यहाँ सेमी कॉलन होगा, ठीक है। अब मुझे 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग वहाँ प्रिंट करानी है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि अभी आपका बहुत ही बेसिक चल रहा है, तो मैं एक एक आपको नॉर्मली जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं काउंटिंग नंबर्स इवन आउट प्रिंट कराना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। सो मैंने यहाँ पे किया प्रिंट एक्स, तो दो चीज़ें हो गई, मैंने वैल्यू असाइन भी कर दी, ठीक है, इनिशियलाइज भी कर दिया है और आपका कंडीशन भी दे दिया है, सिस्टम प्रिंट आउट भी कर दिया है। अब यहाँ पर आएगा आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। तो मैं उसे अब इंक्रीमेंट करूँगा, ओके। सॉरी मैं मेन मेथड मैंने बनाया नहीं था, सॉरी, मुझे लगा कि मैंने वो वहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मुझे लगा मैंने वहाँ क्लिक कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं इसको, ये सभी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। तो एक हमारा कर्ली ब्रेसेस कम है, राइट। तो आप एक कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं जितने ओपन होंगे उतने आपको क्लोज भी करने हैं। यहाँ 3 देखी है, यहाँ 3 है, ठीक है। सो जो चीज़ें कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है वही आपको यूज़ होती हैं, वही आपके रन करती हैं। तो इंटीजर आपका देखिए, हम सबसे पहले क्या मैंने क्या किया, वैल्यू असाइन की, इसे कहते हैं इंटीजर एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया कि हम मैंने इसे एक वैल्यू असाइन की है, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। वाइल लूप हम देख रहे हैं, हम काउंटिंग नंबर प्रिंट कराएंगे 1 से लेकर 10 तक। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन दी है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, मतलब वो ये लूप कब तक चलेगा जब तक उसकी वैल्यू 10 या 10 से बराबर नहीं हो जाती है या 10 से कम नहीं हो जाती है, ठीक है। लेस देन x इक्वल्स टू लेस देन और 10, मतलब 10 से ऊपर नहीं जाएगी 10 तक जाएगी। और नीचे है आपका ऑपरेटर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट भी लगा सकते हैं आप। तो इसे हम रन कराते हैं, तो मैं राइट क्लिक किया, रोमे किया, देखिए आपका यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स प्रिंट हो गया, राइट। 1 से लेकर 10 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो गई। अब इसी में मुझे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ मुझे प्रिंट कराना है
ये सारे नंबर प्रिंट हो गए, ठीक है। अब मुझे ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं। ऑड नंबर कौन कौन से, ऑड नंबर कौन कौन से थे, 1, 3, 5, 7, 9, राइट। सो एक मैंने दिया हुआ है, प्रिंट हो जाएंगे। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, लॉजिक क्या है, अगर मैं एक में दो ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा, सॉरी ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, x + 2 कर दिया। तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 + 2 कितना होगा, 3 हो गया। तो वन के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 वैल्यू कहाँ असाइन हो गई, x में। अब x की वैल्यू कितनी है, 3 है। और फिर 3 में दो ऐड कर दिए तो कितनी हो गई इसकी वैल्यू, 5 है, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब फिर ये 5 आएगा, 5 + 2 कितना हो गया, ये 7 हो गया। और इस तरीके से फिर ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। और फिर x + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये वैल्यू से हाँ 9। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये 10 से नीचे रहे, मतलब 10 से ऊपर नहीं जाएगा। तो आइए इसको प्ले करते हैं, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो अब इस तरीके से ही मैं इसमें कर दूंगा, मुझे ऑड नंबर, मुझे इवन नंबर चाहिए, ये ऑड हो गया। तो मैंने मुझे 0 से लेके स्टार्ट करना है। तो 0 मैंने किया तो क्या हो गया, 0 x = x + 2, सिंपल लॉजिक रहेगा। तो 0 में अगर 2 हम ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये दो वैल्यू साइन हो गई, फिर 2 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से ऐड अप होता रहेगा, सेम लॉजिक है, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, राइट। सो इस तरीके से आप इवन नंबर ऑड नंबर आप प्रिंट कर सकते हैं इसमें। ये है आपका वाइल लूप। तो आप इस तरीके से जितना भी वैल्यूज चाहें, आप इवन नंबर कराएं, आप ऑड नंबर कराएं, तो उस तरीके से आप इसमें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपको वाइल लूप के बहुत सारे क्वेश्चन, इफ एल्स के, स्विच केसेस के और वाइल लूप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे गूगल पे। आप गूगल कीजिए, उसे सर्च कीजिए, आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो उसमें भी आपको लूप्स के बहुत क्वेश्चन होंगे। तो आप उससे क्वेश्चन को लगाइए, लॉजिक लगाइए। आपको नहीं क्लियर होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उसे एक एक चीज़ करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो हमारा वाइल लूप हो गया, अब हम करेंगे डू वाइल लूप, ठीक है। सो सेम है, डू वाइल और वाइल डू में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ। तो डू में मैंने किया, सेम वैल्यू कर दी मैंने एक्स, इसमें लगा दिया ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं इसमें लगा देता हूँ यहाँ पर वाइल लूप, तो सेम चीज़ है, कुछ सिंटेक्स थोड़े से अंतर होंगे। यहाँ पर आपको बस सेमी कॉलन लगाना है, जो कि वाइल में कभी भी लगता नहीं है, कि डू वाइल में यहाँ पर लगाना होता है, ठीक है, सेमी कॉलन। अब मैं राइट क्लिक किया, सेम चीज़ चलाई, मैं 1 से लेकर 10 तक का, 0 से लेकर 10 तक की मैं नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए प्रिंट हो गए। अब देखिए वाइल लूप और डू वाइल में डिफरेंस क्या है सबसे बड़ा। तो वाइल और डू वाइल में डिफरेंस ये है कि वाइल लूप जो होता है वो सबसे पहले कंडीशन चेक करता है एंड देन उसके हिसाब से प्रिंट करता है, जो अपने फंक्शन लिखा होगा वो करेगा। बल्कि जो डू है, डू वाइल है, उसमें डू में पहले वो प्रिंट करा रहा है, उसके बाद वो आपका वाइल की कंडीशन चेक करता है। तो वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, देन उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ आपने लिखी वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन डू में क्या है, चीज़ें पहले एग्जीक्यूट होती हैं एंड देन जाके वो वाइल कंडीशन चेक होती है। तो अगर आपका कंडीशन एक बार फॉल्स भी हो जाती है, मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स ग्रेटर देन है 10, तो यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू 0 है और यहाँ पे ग्रेटर देन 10 है, तो कभी हो नहीं सकता। तो उसके हिसाब से मैं अगर एक मैं इसको चलाऊँ तो एक बार जरूर चलेगा ये, ठीक है, 0 प्रिंट हो गया। तो एक बार जरूर चला, कि वो एक बार क्यों चला, क्योंकि इसने सबसे पहले मैंने ये डू वाइल है, डू को मैंने पहले किया है, पहले वो एक बार चल जाएगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। सेम गोज विद आप, मैं इसको वापस सही कर देता हूँ। आपको उल्टी गिनती करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर डिक्रीमेंट और लगा देंगे और आप इसे कर देंगे, ठीक है, चला के देखते हैं।
ठीक है। तो मैं क्या किया, एस की वैल्यू 10 कर दी। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 10 से होना चाहिए। डिक्रीमेंट लगा दिया, एक्स माइनस माइनस का मतलब होता है एक करके डिक्रीमेंट हो जाए, और मैं उल्टा कर दिया इसको, एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों किया, कि एस की वैल्यू 10 है तो वो ग्रेटर होगा, और हमें कब कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, इसलिए ये उल्टा आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा वाइल और डू वाइल का कॉन्सेप्ट। अब तीसरा हम लूप देखते हैं, वो होते हैं आपके फॉर लूप। तो फॉर लूप में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इस तरीके से आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर लूप में आप एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक्स टू 1 या फिर कंडीशन आप दोगे और फिर एक्स प्लस प्लस दे दिया। ठीक है, अब आपने सिंपल देख, सॉरी यहाँ पे मुझे इसका असाइन करना है कि जी का कौन सा होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये मैं इसको प्रिंट कर दूँगा नॉर्मल एक्स। तो इसी लाइन में मैंने सारी चीज़ें कर दी। ये होता है फॉर लूप। इंटीजर एक्स को टू 1 को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, एक्स स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 10 होगा इसे कहते हैं कंडीशन, और एक्स प्लस प्लस है यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैं सिंपल वही चीज़ें कि एक से 10 तक की आपकी काउंटिंग प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। इसमें एक चीज़ें और होती हैं, ब्रेक और आपका ब्रेक होता है, और इसमें होती है आपकी जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, सो आइए उसे भी देख सकते हैं लग गया। तो मैंने इफ में किया ठीक है एफ इक्वल्स टू 5 किया। अब मैं क्या करूँगा, ब्रेक लगा दिया। ब्रेक से क्या होगा, एस की वैल्यू जैसे ही वो 5 पाएगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, आपकी काउंटिंग प्रिंट होगी लेकिन सिर्फ 4 तक होगी। क्यों, क्योंकि मैंने उसने कंडीशन दे दी कि अगर एक्स इक्वल्स टू 5 होता है तो वो ब्रेक हो जाए। तो ये क्या होगा, ये लूप से उसको बाहर कर देगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 प्रिंट होगा, इसने 5 जैसे ही उसको कंडीशन मिली 5 इसने ब्रेक कर दिया और उस लूप को उसने रोक दिया। अगर मैं इसको करता हूँ 7 तो कहाँ तक प्रिंट होगा, 6 तक प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसी में मैं कर देता हूँ इसे कंटिन्यू। ठीक है, सेम चीज़ है, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए क्या होता है, कंटिन्यू करने पे ये हो जाता है कि वो सारी चीज़ों को प्रिंट करेगा एक्सेप्ट दिस लेटर 7। आइए चला के देखते हैं ऐसे, बिल्कुल देखिए 1 2 3 4 5 6 फिर 8 9 10 है। तो इसने क्या किया कि उसने नॉर्मल फॉर लूप चलाया, तो उसमें कंडीशन दे दी आपकी एक्स इक्वल इक्वल टू 7। डबल इक्वल टू क्यों लगाया है, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू इसे चेक करवा रहा हूँ। सिंगल इक्वल टू तब लगाते हैं जब उसमें वैल्यू साइन करते हैं, डबल इक्वल टू तब लगाते हैं जब उसमें हम वैल्यू चेक करते हैं। तो कंटिन्यू क्या किया कि आपका जो लूप है इसमें से उसने चेक किया कि एक्स इक्वल टू 7 है तो वो कंटिन्यू कर दे। ब्रेक में क्या होता है, वो उस चीज़ को उससे पहले तक प्रिंट कराएगा, उसके बाद लूप से बाहर कर देगा। यहाँ पे क्या है, लूप कंटिन्यू रहेगा लेकिन वो इस चीज़ को वो आपका स्किप कर देगा। इसे हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट हो गया, इसे हम कहते हैं जंपिंग। तो ये आपका जंप कराना हुआ कि आपने एक स्टेप उसको वो करके आपने जंप करा दिया। अगर आप दो लेटर से कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑपरेटर लगा सकते हैं एक और, मुझे 5 प्रिंट नहीं कराना है, मुझे 2 प्रिंट नहीं कराना है। ठीक है, तो देख लेते हैं अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देनी है तो उसके लिए देखिए 5 7 देखिए नहीं हुआ, 1 के बाद से 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है। ये इस तरीके से तो आप मल्टीपल कंडीशन को भी लगा सकते हैं। आप सेम लॉजिक सेम चीज़ आपको इफ कंडीशन में ये आप लगाकर आप वाइल डू में भी ये कंडीशन लगा सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सारे ही लूप के क्वेश्चंस, आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सारे लूप के क्वेश्चंस अपने बुक से निकालें, आप गूगल करें, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल आप पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, या अगर मुझसे कोई चीज़ छूट रही है, या आप कुछ स्पेशल टॉपिक चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.